ये दोस्तों आप लोग को बताते हैं काले चने का चीला जो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए और अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। बनाते हैं चटनी। चटनी के मैंने धनिया को अच्छी तरह से धो लिया, 2 से 4 हरी मिर्ची, नमक, जीरा, नींबू टेस्ट के लिए, अगर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है नींबू से। मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से इसको पीस लिया है। फिर लेते हैं 2 चम्मच दही, फ्रेश दही लेंगे, खट्टा नहीं लेंगे क्योंकि नींबू डाल चुके थे चटनी में। फिर मैं दही में से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। चने को मैंने ओवरनाइट सूख किया था बॉईल करके, फिर मैं डाला इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन से बाइंडिंग अच्छी होती है, सूजी डाल लिए 2 चम्मच, फ्रेश दही, उबले हुए चने का पानी जो मैंने फेंका नहीं इसमें, उसको डाल के अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। इसका पेस्ट बना लिया, एक डोसे की तरह इसका पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा बारीक और दरदरा भी नहीं बनाएंगे। फिर इसमें पानी डालेंगे, नमक डाला स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, इससे 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट लिए रखेंगे। फिर गैस पर रखा मैंने तवा, उसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस करके कपड़े से साफ़ कर लिया। बिल्कुल हल्के हाथ से लो मीडियम आंच पर ही बनाएंगे, तेज पर नहीं बनाएंगे, नहीं ये कच्चा रह जाएगा। फिर वाली डाला मैंने चुकंदर, चुकंदर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे, बच्चों की हीमोग्लोबिन में भी ये मदद करता है। अगर आप बच्चे ऐसे नहीं खाते हो तो इस तरह से बच्चों को बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप उनके लंच बॉक्स में भी इंक्लूड करते हैं कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी।